अरे यार पागलों की तरह कपड़े क्या फेंक रही हो, क्या हो गया? मुझसे क्या पूछ रहा, जाके अपनी माँ से पूछो, उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। क्या हुआ, कुछ बोला क्या मम्मी ने? तुम तो रहने ही दो, वैसे भी तुम तो अपनी माँ के गुलाम हो। मैं तुम्हारी कोई बीवी थोड़ा हूँ, तुम तो मुझे खरीद के लाए और यहाँ भेज दिया काम करने के लिए। मेरी लाइफ और मेरी फीलिंग्स की तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। क्या फालतू की बात कर रही हो, खरीद के लाए हो, शादी वगैरह, तुम एटलीस्ट मुझे बात तो बताओ। बात क्या है, सीधे सीधे बताओ। तुम मुझे एक बात बताओ, शादी से पहले हमारी क्या बात हुई थी कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ जी सकती हूँ, मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाऊंगी, मेरा जो मन करेगा मैं वो खाऊंगी, मेरा जो मन करेगा मैं वो पहनूंगी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूम सकती हूँ। लेकिन अब पता क्या हो रहा है, हर चीज में मुझ पर रोक टोक लगाई जा रही है, जैसे पता नहीं क्या कर दिया मैंने ऐसा। अरे यार तुम मुझे बात बताओ, क्या हुआ, तुम मुझे शांति से बताओ, मम्मी ने क्या बोला? तुम्हारी माँ ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है, मेरे हर कपड़ों में रोक टोक, मैं कुछ भी पहनती हूँ, कोई भी शॉर्ट्स पहनती हूँ, कहती ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना। तुम एक बात बताओ, ये ड्रेस शादी से पहले तुमने मुझे दिलवाई थी ना, तो फिर अब मैं ये ड्रेस क्यों नहीं पहन सकती? हाँ मैंने ही दिलवाई थी, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये बात जाके अपनी माँ को बताओ। आपको पता है कल मेरा यहाँ फ्रेंड आया था, हम लोग पार्टी में जाने वाले थे, तुम्हारी माँ मुझे सबके सामने वहाँ से हाथ पकड़ के लेकर आई घर पे और मुझसे कहने लगी कि हमारे घर की बहू है ना ऐसी ड्रेस नहीं पहनती, हमारे घर की बहू ना दोस्तों के साथ नहीं जाती, हमारे घर की बहू फोन नहीं चलाती, हमारे घर की बहू ये नहीं करती वो नहीं करती। अरे अगर तुम्हारे घर की बहू ये सब नहीं करती तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारे घर की बहू अगर अनपढ़ है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अपनी लाइफ जीऊंगी ना, मेरा जो मन करेगा मैं तो ड्रेस पहनूंगी ना, मेरे पे इतनी रोक तो क्यों लगाई जाती है? बहुत हो गया, अब मैं ये और सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। पूजा शांत हो जाओ, हम बैठकर बात करते हैं, शांत हो जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, आई एम डन। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम क्या कहना चाहती हो, कि तुम सही हो और मम्मी गलत है? ऑब्वियसली तुम्हारी माँ गलत है, बट तुम्हें तो हमेशा मैं गलत लगती हूँ, तुम्हारी माँ तो हमेशा सही होती है। नहीं नहीं नहीं, आई एम टोटली एग्री विद यू कि मम्मी गलत है तुम सही हो, बस एक बात मुझे बता दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, तुम्हें डिवोर्स देना तुम डिवोर्स देना, बस मेरी एक बात का आंसर है। हाँ बोलो क्या बात है। शादी से पहले हम लोग कितने साल तक रिलेशनशिप में थे? 6 साल। 6 साल, तुमने अपने घर पे शादी के लिए कब बताया था कि हम शादी करना चाहते हैं? 1 साल पहले। लेकिन इससे उसका क्या मतलब है? 1 साल पहले, अच्छा पीछे जो 5 साल थे उन 5 सालों में हम लोग बहुत बार मिले हैं, हमने पार्टीज करी हैं, हम घूमने गए हैं, हमने नाइट आउट करे हैं, तुम बहुत सारी रातें तो ऐसी थी जो तुम कॉलेज ट्यूशन और अपने फ्रेंड्स के घर बोल के मेरे साथ स्पेंड करते थे, हम लोगों ने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। तो तुमने अपनी मम्मी को कोई बताया कि मम्मी मैं श्याम के साथ नाइट आउट पर जा रही हूँ, मम्मी मैं 4 दिन के ट्रिप पर श्याम के साथ जा रही हूँ, उन्हीं के साथ रहूँगी, ऐसा तुमने कभी बताया उनके लिए? तुम पागल हो गए हो क्या? अगर मैं अपनी मम्मी को ये बता के आती कि मैं तुम्हारे साथ नाइट आउट करने जा रही हूँ तो मुझे कभी अलाउ नहीं करती, और वैसे भी हम इतने भी मॉडर्न नहीं है। That is the point. जब तुमने अपनी मम्मी को ये नहीं बताया कि मैं श्याम के साथ नाइट आउट करने जा रही हूँ, तब तुमने अपनी मम्मी को नहीं बताया कि श्याम के साथ मैं 5 साल से रिलेशनशिप में हूँ और हम दोनों के बीच में इतना सब कुछ हो चुका है, फिर तो तुमने कैसे सोच लिया कि मेरी मम्मी अंडरस्टैंड कर लेंगी, वो समझ जाएंगी तुम्हारे इस कल्चर को, तुम्हारे इस बिहेवियर को? जो हम बेशक 2023 में रह रहे हैं, लेकिन मेरी मम्मी की शादी आज से 50 साल पहले हुई थी, उस समय ये नाइट आउट, उस समय ये शॉर्ट ड्रेस, उस समय लिविंग रिलेशनशिप कुछ नहीं था। इनफैक्ट शादी से पहले बंदे से मिला भी नहीं जाता था, शादी के बाद पता लगता था कि ये हमारा हस्बैंड है, कि ये मेरी वाइफ है। तो तुमने कैसे सोच लिया कि उन्हें समझ में आएगा? अरे यार उसके बावजूद भी वो तुम्हारे लिए इतना सपोर्ट करती है, तुमसे इतना प्यार करती है, हमारी लव मैरिज को उन्होंने एग्री करा, सारी चीजें समझी। जब तुम्हारी मम्मी 2023 की होकर, तुम्हारी मम्मी इतनी मॉडर्न होकर ये नहीं समझ सकती, तो फिर मेरी मम्मी से तुम उम्मीद कर ही नहीं सकती। मैं तुम्हारी बात से टोटली एग्री हूँ, हो सकता है मेरी मम्मी कम पढ़ी लिखी हो, अनएजुकेटेड हैं, उन्हें मॉडर्न चीजों के बारे में नहीं पता, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जाओ अपनी मम्मी को जाके बताना कि मैं श्याम के साथ 5 साल रिलेशनशिप में थी और हमने ये किया। अगर तुम्हारी मम्मी एग्री होती है और तुमसे बोलती है कि तुमने सही किया, तो मैं अपनी माँ को गलत ठहरा दूंगा और तुम जो बोलोगी मैं बोलूँगी। आई एम सॉरी श्याम, मैंने अनजाने में पता नहीं क्या क्या नहीं बोल दिया, मम्मी तो मेरा अलग ही चाह रही थी। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाऊंगी उन्हें 4 बातें सुननी पड़ती होगी, और मैं भी कितनी पागल हूँ, हमारी शादी तो अभी हुई है और अभी इतनी जल्दी मैं ऐसे कपड़े पहन के जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हाँ मैं
मेरी से भी माफी मांगूंगी। अब ठीक है। नाइस, जाओ मम्मी के पास कमेंट पेपर में लिखकर। ठीक है।